Bharat are always grand and beautiful. Today I am in Zanskar to attend a typical Ladakhi traditional wedding. Let's enjoy it together. आज मैं ये ट्रेडिशनल लद्दाखी कॉस या गोंचा पहनकर रेडी हो रहा हूँ फॉर अ लव स्टोरी, या ये भी बोल सकते हैं कि एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, यानी कि शादी। लद्दाखी लैंग्वेज में बोले तो बाक्स्तोन। बट जिससे पहले हम ये 3 days की ट्रेडिशनल बाक्स्तोन साथ में एंजॉय करें, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले जांस्कार का ये खूबसूरत गाँव रुक, जहाँ से है स्टांजिन सोनम द दूल्हा, और कुछ ही दूर है ये गांव उफ्ती, जहां से है स्टांजिन लामो द दुल्हन, और ये है न्योपास जो दूल्हे के नेबरिंग विलेजेस से आते हैं एंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द वेडिंग, जो कि नेक्स्ट 3 days तक बिना सोए सारे इम्पोर्टेंट रिचुअल्स एंड ट्रेडिशनल डांसेस परफॉर्म करेंगे। ये है नेथिपा, हु इज चोजन थ्रू द तिब्बतियन हॉरोस्कोप एंड फाउंड टू बी सबसे ऑस्पिशियस और लकी पर्सन, जो लड़की को लेने जाएगा, बिकॉज यहाँ के कल्चर में दूल्हा दुल्हन को लेने नहीं जाता। और ये है फैमिली एल्डर्स ऑफ द वेडिंग या तोनमिक, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए कि लड़के और लड़की की साइड पर सभी अरेंजमेंट्स एंड रिचुअल्स ठीक से कम्प्लीट हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये है गोपा या फिर साकी, जिनका काम है लोकल दारू छांग बनाना और इंश्योर करना कि अगले 3 दिन तक किसी का ग्लास खाली ना हो। इस हैंड जेस्चर को याद रखना और इससे थोड़ा बच के ही रहना। इसका मतलब है बॉटम्स अप, मतलब रुकिए मत और फिनिश करके नेक्स्ट ग्लास बनाइए। और एक वार्निंग, आप आगे इतना खाना और छांग देखने वाले हैं कि मुझे ब्लेम मत करना। बट विद दिस, दूल्हे के घर पे चलते हैं टू जॉइन द डे वन ऑफ द सेलिब्रेशन। तोनमिक यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं टू गो टू द गर्ल्स प्लेस एंड चेक ऑल द अरेंजमेंट्स। बटर या लोकल मक्खन इज सपोज टू बी वेरी ऑस्पिशियस एंड प्योरिफाइंग, इसलिए सभी छांग के बर्तन, एल्कोहल बॉटल्स एंड कोई भी इम्पोर्टेंट चीज पर बटर लगाया जाता है। फर्स्ट बार थी, 3-4 लोग जाएंगे एक गाड़ी में, सारा सामान खटाक, सफेद कपड़ा, बटर, रोटी, विस्की, अराक, छंग, रोटी, सब कुछ लेके जाएंगे। हम 1 घंटा पहले निकलते हैं, हम मेन बारती को अरेंजमेंट के लिए उधर। ये व्हाइट कपड़ा या खतक जो काटा जा रहा है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वेडिंग। कोई भी गिफ्ट या ऑफरिंग टू एनीवन इज डन अलोंग विद दिस। इट इज आल्सो अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन लद्दाखी कल्चर। फर्स्ट जो है ना, ये कपड़ा फटने का फर्स्ट जो है ना, वो इंदर और ये त्रिदेव को ऑफर करता है। हर गाने में इंदर और उसके नाम से वो होता है, लेकिन ये लोकल लैंग्वेज में होता है वो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। रेस्पेक्टेड फर्स्ट बारातीज या तोनमिक को रेडी होने के बाद गांव वालों ने फेयरवेल और बेस्ट विशेस दी विद फूड, छांग एंड बटर, एंड वो चल दिए लड़की के घर की तरफ। यहाँ मैंने देखा कि न्योपा टीम रेडी हो रही थी टू बिगिन देयर फर्स्ट सेट ऑफ रिचुअल्स। कोई भी इम्पोर्टेंट लद्दाखी इवेंट की बिगिनिंग होती है लारना से, अ काइंड ऑफ म्यूजिक प्लेड ऑन सुरना एंड दमन टू इन्वोक द गॉड्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। और डिटेल्स आप मेरे लद्दाखी म्यूजिक वाले एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी लारना के बाद न्योपास एंड नेथिपा स्टार्टेड प्रेइंग, सिंगिंग एंड डूइंग वेरियस रिचुअल्स। काफी देर तक ये चलता रहा, जिसके बाद दे गॉट अप टू डांस। इसके बाद दे गॉट रेडी टू लीव दुल्हन के घर के लिए, और मैं भी रेडी हो गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस के बाद। फिर काम पीना, ठीक है। निकलने से पहले सभी गांव वालों के सामने डांस हुआ एंड उसके बाद गांव वालों ने सभी न्योपास को अपने अपने घर से एज गिफ्ट कुछ खाना, पैसा, छांग ऑफर किया। फाइनली गाड़ी की पूजा एंड प्योरिफिकेशन करके द न्योपा टीम वाज रेडी टू लीव फॉर द गर्ल्स हाउस। वेल, साथ में मेरी बाइक भी प्योरिफाई हो गई थी, जिसमें मैं भी निकल गया साथ साथ।
वहाँ उफ्ती गांव की लेडीज और गोपा रेडी थे वेलकम के लिए अपना खाना और छांग लेकर। और क्योंकि वो लड़के वालों को वेलकम कर रहे थे तो वो हैंड जेस्चर्स और उसकी फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा थी। और क्योंकि मैं न्योपा टीम के साथ था तो मैं भी इससे बहुत देर तक बच नहीं पाया। न्योपास की एक और सेलिब्रेटरी डांस परफॉर्मेंस के बाद शुरू होने वाले थे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिचुअल्स, जिसमें से एक था ये सबसे अमेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर वाला रिचुअल जो पूरी रात चलता है। इसके बिना लड़के वालों को अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। गाने और डांस में लड़की वाले लड़कों को चैलेंज करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, जिसका आंसर लड़के वालों को रेस्पेक्टफुली देना होता है। वहीं लड़की की सभी सहेलियां रेडी होती हैं झाड़ लेकर, इन केस किसी का आंसर गलत हो जाए और वो उन्हें इससे डरा सके। तो यहाँ की तरफ से है, वो उन तरफ को पूछता है, अब कहाँ से आया, अब तो आदम लगता है, आदम खोर लगता है, जैसे सस्पिशस। फिर वो दूसरा जवाब देता है बड़े मतलब रेस्पेक्टिवली कि हम इस तरह इनकी माँ बाप ने आपके साथ आपकी ये रिश्ता जोड़ने के लिए हम तो इसलिए आया। फिर उसी सब्जेक्ट में पूछता है, जब अब आ रहा है तो हमने इस तरह चट्टान रखा था, हमने ये समंदर की तरह फॉलो अप पानी इस तरह रखा था प्रोटेक्शन के लिए अपना, तो वो कैसे पार किया। फिर वो देता है, हाँ आपने इस तरह चट्टान रखा था, इस तरह चट्टान है खौफनाक चट्टान जो हम मुमकिन नहीं कर सकता है वो पार करें, पूजा करके उसको प्रार्थना करके उस पत्थर को संग्राम के रूप में हमने स्वीकार किया, तो देवलोक के मदद से कुल देवता के मदद से हमको इस तरह ये पार हुआ। तो आपने जड़ी बूटी रखा था बुश, ये खतरनाक बुश जो कि हम मुमकिन नहीं कर सकता है वो पार करें, उनको हमने आपकी बुश को हमने एक चंदन के रूप में स्वीकार किया तो हम उससे भी पार हो सका। आपने इस तरह जल रखा था काला, बिल्कुल फ्लो अप काला, मुमकिन नहीं था वो का पार सके, हमने उसको अमृत के तौर पर स्वीकार किया और देवताओं के आशीर्वाद से हमने वो भी पार हुआ, तो हम तो रिश्ता जोड़ने आया, कोई बुरा उसके लिए नहीं आया। बट ये सॉन्ग्स और हंसी मजाक चलते रहते हैं ऑल नाइट लॉन्ग जब तक सुबह ना हो जाए। प्योर इंडिजिनस रिचुअल्स फॉलोड प्योर दिल से। सुबह न्योपा टीम को बस कुछ देर रेस्ट करने का टाइम मिला एंड देन गरम गरम सूप के साथ इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ डे टू। अब टाइम था टू गो एंड गेट द दुल्हन, जिसके लिए बाय 7 AM नेथिपा और तोनमेक निकल पड़े। यहाँ से नेथिपा का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल शुरू होने वाला था। वी रीच द प्लेस वेयर द दुल्हन वॉज केप्ट विद ऑल हर फ्रेंड्स और वहाँ से शुरू हुआ दुल्हन की फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक, टीजिंग एंड फाइनेंशियल नेगोशिएशन का सिलसिला। इसको चपरासी बोल रहे हैं आप? इतना इम्पोर्टेंट आदमी है वो। दस दस रुपए डाल रहे ऐसा तो सब आपको मैम पता चल गया? हाँ मैंने देख लिया कहाँ पे छुपा है। काफी नेगोशिएशन के बाद गर्ल्स अग्रीड टू लेट अस टेक द ब्राइड टू द मेन हाउस ऑफ द ब्राइड। दुल्हन का फेस छुपाकर उसकी सभी फ्रेंड्स उसे ले चली टू गेट हर रेडी। जिले कुछ देर बाद एवरीबडी गोज देयर टू गेट द ब्राइड, जो कि एक बड़े पर्दे के नीचे छुपी होती है अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ। मेरे को अंदर जूते दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। इसमें असली ब्राइड कौन सा है?
और नेथिपा को तीर से टच करके चूज करना होता है सही ब्राइड को। अभी इसका कहानी ये है, इनका जो 100,000 साथी होता है ना, 100,000 साथी के बीच में से एक ऐसा खूबसूरत लड़की जो हमने दुल्हन के रूप में चॉइस किया है, अभी उसको जो हमारे टची पर बोलता है ना, वो उसको चॉइस करता है। उसमें वो तीर होता है ना, तीर को ऐसे लगाता है, उसके बाद बोलता है ये मेरा हमारा ब्राइट, ये हमारा ब्राइट है, ये हमारे को दे दो। उसके बाद ये खोल देता है, उसके बाद ये जो पर्दा लगाया है ना, इसको खोल देता है। ऐसा देने पड़ेगा अगर तीर नहीं लगा उसको तो। ये पर्दा लगाया है ना, इसका मतलब ये छुपा है। और गलत लड़की को लग गया तो फाइन लगेगा। छुपा दो। And the bride is finally revealed, and the songs and dance go on along with Chhang, of course. Then the last meal prepared by the mother is brought for her daughter. ये माँ की तरफ से अपना बेटी को last खाना खिला रहा है। जिसकी वजह से माहौल बहुत ही इमोशनल हो जाता है सबके लिए, क्योंकि दुल्हन आखिरी बार अपनी माँ के हाथ से खाना खाएगी। उसके बाद नेथिपा takes the दुल्हन away. साथ ही पूरे गांव के लिए फीस्ट शुरू हो जाता है। बट हमारा फीस्ट तो दो दिन से ऑन ही है। थोड़ी देर में छोले पूड़ी, फिर मोमोज, फिर कुछ और। तब तक गांव वालों के सभी गिफ्ट्स का हिसाब एक कपड़े पे होता है, जो कि एक एक करके अनाउंस किया जाता है इन फ्रंट ऑफ होल विलेज। और इतने में ही टाइम हो जाता है लद्दाखी रोटी के साथ खुमानी खाने का। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और रेयर डिश है, विच आई लव्ड ईटिंग। लामास गिफ्ट को ब्लेस और प्योरीफाई करते हैं, जिसके बाद दुल्हन को फाइनली घर से ले जाने का टाइम हो जाता है। बाहर सभी गांव वाले लड़की को विदा करने आते हैं और सॉन्ग्स एंड डांस कंटिन्यू। पहले जमाने में लड़की को घोड़े पे ले जाया जाता था, पर अब वो कार में होता है। बट जब लड़की की सहेलियों को टैक्स ना मिले तो वो उसे ऐसे कैसे जाने देंगी, तो ये नेगोशिएशन फिर से शुरू हो जाती है। शोर मचता रहता है, नेगोशिएशन चलती रहती है, एंड फाइनली लड़की वाले लड़की को विदा कर देते हैं। और अब हम जाते हैं लड़के के घर, यानी रुक रुक गाँव। मेरा वीडियो बन रहा है। जहाँ लामाज आर प्रिपेयरिंग टू वेलकम द ब्राइड, प्योरीफाई द गिफ्ट्स एंड परफॉर्म अ वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग डांस, जो कि गॉड्स की ब्लेसिंग के लिए होता है। फाइनली एक ही वार के साथ सभी नेगेटिविटी और ईवल को इस पत्थर पे मार के खत्म कर दिया जाता है। नाउ द गर्ल इज रेडी टू एंटर हर न्यू होम।
थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन बाहर गांव वालों के बीच बैठते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच अभी भी नतीपा बैठे ही रहता है। ये रिसेप्शन, फीस्ट, छांग एंड सेलिब्रेशन नेक्स्ट डे इवनिंग तक चलता रहता है। फाइनली ऑन लेट नाइट ऑफ डे 3 इस गांव के सभी लोगों की गिफ्ट्स और ऑफरिंग्स को खतक के साथ दूल्हा दुल्हन और दूल्हे की मम्मी को ऑफर किया जाता है, जो कि आवर्स तक चलता रहता है। और साथ साथ क्या चलता रहता है ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। नहीं, फाइनली द दूल्हा कम्स ऑन द डांस फ्लोर एंड परफॉर्म्स अ डांस। बाद में दुल्हन जॉइन्स हिम ऑन द डांस फ्लोर एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस अनाज को उछालकर ब्राइड एंड द ग्रूम आर फाइनली रेडी टू बिगिन अ न्यू लाइफ टुगेदर। इतनी खूबसूरत सेलिब्रेशन में 3 दिन कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और ये भी नहीं कि मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ। एनीवे, अगर आपको अपनी ही कंट्री और कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में कुछ नया पता चला हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मैं आपके लिए और अमेजिंग स्टोरीज ला सकूँ। एंड इस वीडियो को एंड तक देखिएगा टू फाइंड आउट व्हाई बाख्तोन के ये रिचुअल्स अब बहुत ही रेयर हो गए हैं एंड धीरे धीरे गायब क्यों होते जा रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस वेडिंग फ्रॉम आवर हिमालयस। I wish this newly married couple khushiyan always. I'll see you in my next story. Chule. Tane jala bhi zame agar chusu de oki lulu yansa jo government school mein padha, degree kiya, college mein padha, university gaya, उनको जो पुराना ये रस्म रिवाज सारा मीनिंगलेस नज़र आता है, लेकिन पुराने ज़माने में इनके बग़ैर उनका काम कोई भी कार्य हो सक्सेस नहीं हुआ। देवी देवताओं के आशीर्वाद के बगैर कोई इस तरह सक्सेस नहीं हुआ। आजकल के दौर में साइंटिस्ट है, चांद पर चला जाता है, सूरज पर चला जाता, फिर क्या रहा है ना। इसलिए वो यकीन नहीं करता इस परंपरा को, इसलिए बंद हो गया। ले जैसे बहुत डेवलप है, ले में तो बहुत डेवलप है ना, हर वो स्कूल जाता है, इतना कपड़ा फटेगा तो वो उन लोगों का तो दिल फट चुका होगा कसम से। बोला होगा ये लोग पागल है, देखो अननेसेसरी इतना वेस्टेज किया। लेकिन यहाँ के लोगों को पता है ये परंपरा सदियों से देवी देवताओं से चलता आया है, उनके आशीर्वाद से गुजारा है। अब हमारा बच्चे नाती पोती आएगा, वो लफज क्या लाएगा, वेस्ट करता है। बस दो पंगड़म मारेगा, बस उधर से लेके आए हम बगल में, बस ख़त्म उनकी शादी। यहाँ हफ्ता तो कम से कम चलता है घर में